पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है चित्र में, चित्र यहाँ पर बना हुआ है मेरे भाई बिंदु ए पर, यहाँ पर आपको पॉइंट ए मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी का मान होता है वही हमसे पूछा है कहाँ पर, ए पर। आप देखिए यहाँ पर दो वायर हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, अनंत लंबाई के हैं, तो इस तार द्वारा इस बिंदु पर कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस तार द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा होगा, तो ये वाला शांति से बैठेगा, क्या होगा, हमारे में धारा बह रहा है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ये वाला भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसका हम लोग B1 मान लेते हैं और इसका B2। अब यहाँ पर देखिए अगर धारा ऐसे बह रही, दाहिने हाथ का नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो दाहिने हाथ का नियम ये कहता है कि जिधर धारा बह रही उधर ऐसे अंगूठा कर दो और यही हथेलिया जिधर घूमेगा, जैसे इधर ये धारा बह रहा है ऐसे, तो ये हथेली हमारा ऐसे घूमेगा, तो जिधर घूमेगा उधर क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ई वाले का चुंबकीय क्षेत्र आप देखो तो इसे बुड़वा का अंदर वाला धंसेगा, हमारा थोड़ा घूम सकता है बुड़वा के अंदर साइड में, तो इसका अंदर साइड में जाएगा। अगर इसका वाला देखे जाएंगे तो इसे बाहरवा आएगा, तो इस वाले जो तार हमारा हेरी वाला है, मतलब जिसमें 15 एम्पियर की धारा बह रही है, उसके द्वारा बिंदु ए पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ऐसे ऊपर साइड होगा बोर्ड के ऊपर साइड, और जिसमें 30 एम्पियर की धारा बह रही है इसके द्वारा अंदर साइड जाएगा, तो एक क्षणिक दिशा उधर एक क्षणिक दिशा इधर, कुल मिला के हमको कह रहा है ज्यादा वाले में कम को घटाओ, तो इसके द्वारा निकाल लेते हैं और इसके द्वारा निकाल लेते हैं, ज्यादा में कम को घटा देंगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 30 एम्पियर वाला निकाल लेते हैं, यहाँ पर B1 मान लेते हैं, B1 बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं μ0/4π, क्या मेरे भाई μ0/4π 2i/r, r मतलब डिस्टेंस जितनी दूरी पे निकालना है। इस पूरे का मान आप लोग जानते हो कितना, 1 × 10⁻⁷ होता है, 2 को 2 रख दिए, i का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 एम्पियर है तो 30 रख देंगे, और यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 5/100 तक मीटर में आ जाए। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगा ऐसे, ये खत्म हो जाएगा, ये इसको 6 बार में काट दिया, 6 × 12 2 जीरो घट गया, तो यहाँ पर B1 बराबर मेरे भाई 2 × 10⁻⁵ N/5 N/m·, क्यों? क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसकी मात्रा को पता है N/m·, तो B1 का मान आ गया इसके द्वारा यहां पर आ गया। अब ये पूरा अगर 10 है तो यहां से भी 5 ही तो बचेगा, आपको यहां बचेगा, तो B2 द्वारा निकाल लेते हैं, तो B2 बराबर निकाल लेते हैं μ0, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे μ0/4π 2i/r, तो ये पूरा फिर का मान आ जाएगा 1 × 10⁻⁷ 2 का मान इस बार हमको इतना रखना पड़ेगा कितना 15 एम्पियर, और r का मान फिर से 5/100, ये फिर से ऊपर आ जाएगा सर, 5 से काटेंगे ये 3 बार में काट दिया, 3 × 6 हो जाएगा, 6 × 10⁻⁵ N/5 N/m·, आ गया। अब देखिए ये जो B2 का मान है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 6 × 10⁵ N/5 N/m·, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा बिंदु ए पर कुल टोटल क्या आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पॉलिटेक्निक में और 2 से 3 बार IERT में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर कह रहा है तार ए के द्वारा बी पर लगने वाला बल, यहाँ पर एक तार ऐसे दोनों पैरेलल रखे हैं, दोनों में विपरीत दिशा में क्या हो रहा है मेरे भाई धारा बह रही है, जब विपरीत दिशा में धारा बह रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जब दोनों का चुंबकीय क्षेत्र अगर आपस में मैच करेंगे तो दूसरे पर बल लगाना शुरू करेंगे, वही बलवा का मान से पूछा है, नहीं समझे, समझना पड़ेगा। एक कुत्ते के एरिया में दूसरा कुत्ता एंट्री करता है तो क्या करने लगते हैं, पंप वाले करने लगते हैं, यानी कि क्या करते हैं बल लगाना शुरू करते हैं, या फिर कोई मोटर या फिर फोर व्हीलर है कभी जिस पर कुत्ता सुसु किया रहता है, वो दूसरे कुत्ता के एरिया में जब वो गड़िया आता है तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगता है, क्योंकि थोड़ा सूंघने की क्षमता बड़ी भयानक होता है, तो ऐसे समझो किसी के एरिया में दूसरा कोई एंट्री मारेगा तो बल लगता है, यहाँ पर भी वही है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र आएगा दोनों एक तरफ बल लगाएंगे, कितना बल लगाता है वही हमसे पूछा है, तो निकाल लेते हैं एफ का मान हो जाएगा मेरे भाई, एफ बराबर हो जाएगा μ0/4π 2i1 × i2 L/r, r बीच की दूरी है, L लंबाई होती है दोनों तार की लंबाई, समांतर तार हैं तो समांतर लंबाई हो जाएगी, यहाँ से अगर हम लोग काट लेते हैं तो ये 2 मीटर है तो इसमें भी 2 ही मीटर ले लेते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट लंबाई का दिया है, तो 2 मीटर इधर भी हम लोग ले लेंगे, 2 मीटर लेंथ हमको मिल गया, इसका मान होता है 1 × 10⁻⁷ 2 को 2, i का मान यहाँ पर 10 एम्पियर है
तो 10 रख देंगे और उसका कितना है 2 है, L का मान भी 2 है, डिवाइड बाई 10/100। 10/100 इसलिए सेंटीमीटर में दिया था। इसको 100 काट गए, यह 100 आ गया, 100 का इसमें जब गुणा मार देंगे 10^5 बचेगा और 2×4 ये 8 गुणा 10^-5 न्यूटन का लगेगा बल लगेगा। कहाँ गया ई वाला हमारा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तार में जो धारा फ्लो हो रही है, एक में ऊपर है एक में नीचे है, तो जब विपरीत दिशा में तार में धारा बहती है, जब समांतर है, तो उनके बीच में जो बल लगता है इसे भगाने वाला होता है, दूर भाग तो दूर भगाता है, और जब समान दिशा में जाता है जैसे इधर ही तरबा में धारा कहाँ बहता, ऊपर साइड में बहता, तो क्या होता है एक दूसरे के पास में खींच लेते हैं, क्या होता है आकर्षण होता है। याद रखिएगा जब समान दिशा में तार में धारा बहती है तो दोनों में आकर्षण होता है, और जब विपरीत दिशा में बहती है तो क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। इस बात को याद रखना, इसकी दिशा निकलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। आप लोग निकाल सकते हो, कई बार नहीं लगाए भी होगे, नहीं लगाए होगे तो आप लगा के चेक करिएगा।